टॉम वाले तो होते ही अच्छे एक्टर हैं, टॉम क्रूज, क्रूज, टॉम हार्डी, टॉम हैंक्स, टॉम वॉल्टर, टॉम वॉल्टर, हाँ और भी होंगे कितने सारे जो हमसे मिस हो रहे हैं। टाइगर श्रॉफ अब कह रहा है टॉम हॉलैंड, टॉम श्रॉफ कर दो मेरा, हम भी रखने वाले हैं टॉम आशीष, तभी गाड़ी चल पाएगी भाई, तभी आगे बढ़ पाएगा। इट्स इन द टॉम। या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हाय गाइस, मैं हूं राजेश और मैं हूं शुभम, और दोस्तों ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दशहरे के ही दिन। इस हफ्ते हमने जो दूसरी फिल्म देखी, पहले सीधा उसी पे आते हैं, वो है इंग्लिश पिक्चर वेनम, और इंग्लिश में 3D चश्मे के साथ। 3D चश्मे के साथ एक तो दोस्तों एक चश्मा अपनी नजर का, इससे साफ दिखे, फिर उसके ऊपर 3D का चश्मा, और एक चश्मा इसने दोस्तों वो भी पहन रखा है जिससे लोगों को गंदी नजर से देखते हैं, गंदी नजर का चश्मा भी, तीन चश्मे पहन के छोटी सोच का चश्मा पहना हुआ है, काफी चश्मे लगे हुए दोस्तों, 5 से 6 चश्मे लगा के राजेश ने देखी वेनम। इनके सब्स्टिट्यूट देता है नहीं लेंस कार्ड, हाँ ना इनके पैसे देता है कि आप एक सांप्रदायिकता का चश्मा ले लो दोस्त। ये ऐड का आइडिया दे दिया हमने, ये परफेक्ट ऐड है जो बॉयकॉट हो जाएगी जिसके बाद लेंस कार्ड। उसके बाद एक अंकल ने जिनको साफ नहीं दिखता है ये चश्मा लगाया है, अब उन्हें साफ साफ दिख रहा है, अब वो कह रहे हैं कि ये क्या, ये तो अंकल आपने सांप्रदायिकता का चश्मा लगा लिया, ये हटाओ, इसे हटाओ, लगाओ लेंस कार्ड का यही वाला चश्मा। ये लड़की देखो आजकल इनको बाहर जाना होता रात में, आपने छोटी सोच का चश्मा पहन लिया अंकल, अब ये वाला ट्राई करो, अब साफ दिख रहा है, मार रहा है लेंस कार्ड से, आप भी करिए, पैसे तो हम आपके वॉलेट में भेजते ही रहते हैं। वो तो आपको करोड़पति हमने बनाए रखा है, करोड़पति बच्चन साहब से 15 लाख आ गए होंगे मेरे अकाउंट में लेंस कार्ड ने भेज लेंस कार्ड। मैं अगला वोट लेंस कार्ड को ही क्यों ना दूं, ईवीएम पे आप अपना बटन दें, मेरा वोट आपको लेंस कार्ड। क्यों ना मैं चश्मे को ही अपना प्रधानमंत्री चुनूं, चश्मे वाले को नहीं। केबीसी कितने दिन चलता है, 3 से 4 महीने, कितने करोड़पति बनते हैं, 3 से 4, लेंस कार्ड दिन के बनाता है 3-4 दिन। ये लो आपके खाते में लेंस कार्ड की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो रखी है, हो रखी है भाई, कम की हो रखी है। लेंस कार्ड अगर अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दे, अब बोले ये है ये देखो देश, और वो ऐसा भी नहीं खरीदना पड़ेगा, नहीं नहीं वो है, वो बेचेंगे आपके अकाउंट में, एक बिटकॉइन भेज दिया हमने लेंस कार्ड वाला। पेट्रोल तो पब्लिक, अरे सलमान भाई ने NFT लॉन्च किया भाई, भाई तो अब पहले उनकी फैंस पूछ रहे हैं भाई ये क्या है, मैं खुद पूछा भाई, भाई मुझे भी बता दो ये क्या। मैंने कहा भाई आपको लॉन्च करना है, आप वो गुटखा पान बीड़ी करते हो सही लगते हो, समझ में आता है, आपने सैनिटाइजर लॉन्च किया हमें समझ में आया, अब भाई आप वो काम करो फिर, अंकुर वरी को क्या करे, टी शर्ट उतार के नाचे, जिसका काम जिसको उसे करने दो ना। NFT की बात है, उसके मुंह से अच्छी लगती है, पीछे 4 किताबें लगा के बताता है कि गाड़ी किराए पे लो, भाई का तो NFT भी अच्छा, NFT लॉन्च कर दिया है, खरीद लेना ना, डाल लेना, करना मत, ये भाई NFT बेच रहे हो, हमें सजा दे रहे हो, सजा ही है हमें ज्यादा दोस्तों, पता नहीं है NFT क्या है कुछ, हमें नहीं हम लेते कि NEFT तो अब सीख पाए थे, NEFT और IMPS में क्या फर्क होता है, ये तो हमें अब जाके आया था, तब तक NFT आ गया, तो अभी हमने इनफ वीडियोस देखे नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं पता, तो अभी हमें कुछ ऑनेस्टली पता नहीं है। और बीते हफ्ते दोस्तों बर्थडे बीता बच्चन साहब का, और बच्चन साहब ने इस बार बर्थडे में बर्थडे प्लेज लिया अपना, अच्छा की वो की ऐसे गुटखा छोड़ दूंगा, करना ऐड, गुटखे की ऐड करनी छोड़ दूंगा, खाना छोड़ देंगे कि नहीं वो उन्होंने नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि वो खाते हैं कि नहीं, बट उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं खाना छोड़ भी नहीं हूँ, हाँ मैं खाना छोड़ दूंगा, उन्होंने क्या किया जो जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए थे, अब उन्होंने उसको छोड़ दिया कि भाई मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, मैं इसको प्रमोट, क्योंकि उनको दोस्तों ऑनेस्टली पहले लगता कि वो सौंफ बेच रहे हैं, हाँ उनको लगता था पान, ये गुटखा तो हम खाते हैं ना लंच के बाद डिनर के बाद, भाई कितनी बार तो उनका ये चलता था कि जब वो बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे टॉस चलता था पैकेट से, अरे ये वाली सौंफ लाएगा क्या बेले, दिलबाग सौंफ ले आया यार मेरे लिए राजेश, आज कमला पसंद लाई है, रोटी आज खाली है, खाना ज्यादा हो गया। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि भाई मुझे नहीं पता था ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अंडर आता है, इसलिए मैंने ऐड ले लिया था, पता चलते ही मैंने छोड़ दिया, तो अच्छी बात है भाई, भाई मैं सदके जावा आपके भोलेपन पे है, किसी से 10 करोड़ ले रहे हो, आपने पढ़े नहीं उन 10 पेजों पे लिखा क्या है, उधर चेक पे नजर थी, चलिए ये पैसा डिजिटली हमारे खाते में, अरे भाई चलिए आराध्या भाई नई फ्रॉक आपकी खरीद लीजिए आप, चलिए ठीक है, अरे भाई अभिषेक को भी ट्रैक सूट लेना है, चलिए भाई ये भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ जो है माहौल रहा होगा, साले अगर बच्चन साहब कहाँ देख के रख रहे होंगे, वो तो पूरा लेट के देखते होंगे तो काउंट पाते होंगे इतने दिन भर काम करने के बाद, तो काम बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं भाई, आज ही मुझे किसी ने एग्जाम्पल दिया कि वो 79 में कर सकते हैं, तुम 26 में नहीं कर पा रहे, क्या एक्टिंग का ही बोल रहे थे,
मुझे पता नहीं वो क्या कर पाते 79 में क्या नहीं कर पाते जो तुम नहीं कर पाते उस हिसाब से कर रहे हो ना वो एक्टिंग ही बोला उसने तो स्टंट करवा रहे थे मुझसे कि बच्चों 79 में कर दे तो 23 मैं कहा उनके तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है मैं बस जीने के लिए पूरी जिंदगी है अभी मेरी की दांव पे लगवा रहे हो बच्चों सामने जवानी में चोट लगवाई थी ना अपनी उसके से आज तक बेचारे आज तक परेशान है ये तो है खैर बात करते हैं इस हफ्ते की पिक्चर जो हमने देखी और हमने बहुत देखी जहर पिक्चर इंग्लिश पिक्चर वेनम दोस्तों 3D में हमेशा की तरह मार्वल की एक और पिक्चर बच्चों और आशीष चंचलानी को फुल ऑर्गेज्म देके जा रही है त्योहार के टाइम पे मार्वल की फिल्म और ये कितनी सही स्ट्रेटेजी क्या फिल्म बच्चों के लिए बनाओ बच्चे ऐसे तो है नहीं अकेले देखने आएंगे अकेले तो बच्चों आजकल कोई न जाने दे जब से पकड़े जा रहे हैं उल्टी सीधी जगह तो माँ बाप साथ ही जाएंगे तो अब एक के चक्कर में 3 टिकट आपकी कम से कम बिक जाएगी तभी तो कमाई होती है भाई भाई वही बनने हमें भी ऐसे टाइगर ट्रॉफी बनना चाहिए हमें जीवन में हमें पोएम वोएम का रिव्यू शुरू कर देना चाहिए हाँ बच्चे देखेंगे मोहि पापा को देखेंगे हमारे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे आई थिंक नेक्स्ट मछली जल की रानी रिव्यू ड्रॉपिंग नेक्स्ट वीक गाइस तो ये हम इसमें मिलते हैं अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की दोस्तों फिल्म में मेनली 3 ही लोग हैं वेनम टॉम हार्डी एडी ब्रॉक और एक विलेन तो एडी ब्रॉक जो है जो कि एक दो विलेन है वैसे कहा जाए तो हाँ दो विलेन है एक वो और उनका वेनम बट हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडी ब्रॉक की जो कि एक रिपोर्टर है और रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले किया है टॉम हार्डी ने और उनकी बॉडी में आ गया है एक क्या बोला था तूने सिम्बायोटिक पैरासाइट कहेंगे इसको सिम्बायोटिक सुन के मुझे लगा कि जो सिम्बायोसिस नहीं है पुणे में वहाँ के पास आउट खुद को बोलते होंगे कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप होगा सिम्बायोटिक्स होगा वैनम ऐसा ही है दोस्तों पहला पार्ट आपने देखा ही हुआ है एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर रहता है और एडी ब्रॉक दोस्तों ऐसे रिपोर्टर हैं जो जेन्युइनली रिपोर्टिंग कर रहे हैं हाँ भाई यार मतलब मेहनत कर रहा है आदमी जाके पढ़ दो ना शाम को अभी अमीश देवगन का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बोल पा रहा वो आदमी मोहनचंद करमदास एम के गांधी गांधी जी बोलने में उसको इतना टाइम लग गया अच्छा क्लास नहीं लेता वो हाँ तो नाम नहीं उसको तो हम भाई उसको उससे फीस ले फिर उसे मुर्गा बनाए और बच्चों को बोले कि रोस्ट करो इसे वेनम और टॉम हार्डी सॉरी वेनम और एडी ब्रॉक दोनों को एक को आवाज दी है और एक को साक्षात अपना शरीर आवाज सब जिसको पता नहीं हो वेनम की आवाज भी टॉम हार्डी ने ही दी है हाँ और इसका बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी पढ़ा हमने दोस्तों गूगल पे कि वो सुबह पहले वेनम की आवाज रिकॉर्ड करते थे उसका फिर प्लेबैक चलता था शाम को जब वो अपने एडी ब्रॉक वाले वो जो सिंक बन पाए सिंक बने वो जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए ये नहीं सलमान भाई की तरह पुलकित का कंधा लगा के अपने ओटीए शॉट दिए जा रहे हैं उधर नहीं तभी तो टॉम हार्डी है टॉम हार्डी नाम भी देख रहा है टॉम हार्डी लगता ही नाम से यार हार्डी अच्छी होगा हां और टॉम वाले तो होते ही अच्छे एक्टर है टॉम क्रूज टॉम हार्डी टॉम हैंक्स टॉम वॉल्टर और भी होंगे कितने सारे जो हमसे मिस हो रहे हैं टाइगर श्रॉफ अब कह रहा है टॉम हॉलैंड टॉम श्रॉफ कर दो मेरा हम भी रखने वाले हैं टॉम आशीष तो ये दोनों है और इसके अलावा दोस्तों फिल्म में एक विलेन भी है अब सुपर हीरो का काम क्या अगर किसी को खत्म ना करे हाँ भाई सो जो क्या करेगा सुपर हीरो को छोड़ दो अखंड उत्तर प्रदेश में करने के लिए कोई बुराई नहीं है वो दशहरे 5 साल बाद वोट डालने निकलेगा वोट डालने निकलेगा करते और क्या किसको जाएगा सबको पता है कोई अच्छा आदमी हुए भाई साहब अखंड उत्तर प्रदेश ऐसा है वहाँ जनता इतनी आत्मनिर्भर है वो दशहरे पे अपने अंदर की बुराई मान लेती है उसके बाद ना पुलिस को करने को कुछ ना सरकार को करने को कुछ टैबलेट मिल रहे हैं बच्चे को टैबलेट मिल रहे हैं सर दर्द के नहीं वो रावण मारने के टैबलेट हाँ भाई ये वाले टैब अच्छा उसमें बुराई माननी अपनी अपने रावण मारो बैठ के आराम से वहाँ पे मतलब सच में आप ये देखो एक गाड़ी से बंदे किसान हमारे कुचल गए पुलिस को कुछ नहीं कहा अभी आप पोर्न सर्च करके देख लो तुरंत आपको घर से आके उठा के ले जाएंगे अब आप समझ लो पोर्न सर्च करना जिस प्रदेश में बड़ा अपराध है वहाँ किस सुपर हीरो की क्या जरूरत है वो एक बार चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं सुपर हीरो
तो भाई अब जैसे अपना बैटमैन हो गया, वो तो वोट भी नहीं डाल पाएगा उत्तर प्रदेश के, रात में निकलेगा, वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी होंगी, तब तक एक ही वोटिंग लाइंस खुली होंगी कि चलो शमिता शेट्टी को सेव कर लेता हूँ बिग बॉस, इसको किसी ने आंटी बोल दिया, आंटी बोल दिया था मैं इसे बचा लेता हूँ, इसकी मम्मी परेशान हो रही है कि आंटी कह रहे तो मेरा हक है और ये मेरी बेटी को कह रहे, मुझे तो क्या दादी कहने लग जाएंगे, उन्होंने भी खुद पर्सनली इनसिक्योर हो गया कि आज इसको बोल ले कल तक ये चिंगारी मेरे तक आ जाएगी। मैं आंटी आप अपना मुझे ईमेल आईडी दे, मैं आपको 5-6 एज पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स बताऊंगा इंस्टाग्राम के जो एज पॉजिटिविटी फैलाते हैं, अब मैं उनको वो भेजता हूँ, ये सब की जरूरत है। तो आप लेकिन यहाँ पे विलेन है वुडी हैरिसन, वुडी हैरिसन दोस्तों जिनको आपने ट्रू डिटेक्टिव में भी देखा होगा, वो यहाँ एक सीरियल किलर बने हुए हैं और उनके अंदर भी एक पैरासाइट है जिसका नाम है कार्नेज। कार्नेज अब दोस्तों सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड मतलब एक्स गर्लफ्रेंड भी है और एन का कैरेक्टर प्ले किया है मिशेल विलियम्स। रीड स्कॉट दोस्तों बने हैं इनके बॉयफ्रेंड डैन, और आप देखें गर्लफ्रेंड का नाम एन, बॉयफ्रेंड का नाम डैन, डैन अपने आप में इनका वेडिंग हैशटैग हो जाएगा और दोनों को एक साथ कितने आराम से गाली दे सकते हैं ना, एंड डैन कटोला ये तो हम हिंदुस्तानी कर सकते हैं उनका तो काफी क्यूट नाम है मतलब एंड डैन, जितना क्यूट नाम है उतनी उनकी क्यूट सी रिलेशनशिप है तीनों चारों की, वैनम एडी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनका बॉयफ्रेंड वो अलग ही देखने में मजा आता है भाई, वहाँ सब सॉर्टेड है, इंडिया में तो कबीर सिंह बन जाते हैं, इंडिया में तो है। और कबीर सिंह का मैंने तो फनीएस्ट मीम देखा अभी, उसमें ना वो जैसे जिद कर रही है ना शेरशाह के अंदर प्रीति कि नहीं शादी करांगी तो इससे करांगी, तो लोग कह रहे हैं कि इसकी 50% भी हिम्मत दिखा दी तो वो आदमी शराबी नहीं बनता कबीर सिंह के अंदर, मतलब यहाँ पे, और जबकि वो भी ठीक ठाक था, डॉक्टर तो था ही भाई, नौकरी तो उसकी पक्की थी, हाँ भाई ना कोविड आया था ना कुछ आया था, मोटी कमाई थी, क्लिनिक से अलग कमाता अस्पताल से अलग कमाता, वो भी तो हरामी था, हाँ, वो उसके घर गया है, हाँ, छत पे खड़े हैं दोनों, हाँ, उसके घर में चुम्मी लेने की जरूरत है, हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए, मतलब तू हॉस्टल में उसके साथ रहा है, तुमने 500 बार सेक्स किया है, वो गिनते भी है, गिनते भी हो, उसके बाद 2 मिनट घर पे जाके छत पे जाके चुम्मी ले रहा है उसकी, ये तो हाँ थोड़ा सा मतलब वो इशू हो जाएगा, पापा देखेंगे गुस्सा तो करेंगे ना, कितने डॉक्टर चुम्मी ले जाएगा बेटी की, पापा खुद कब से नहीं मिली मम्मी की, तो फिर वो तो ये करेंगे, वो तो बोलेंगे मैं तो अपने घर में हूँ तब नहीं कर पा रहा हूँ, तू मेरे घर में आगे कर रहा है, ये तो अच्छा ही लगता है। तो अब फिल्म में क्या होता है दोस्तों, अखंड उत्तर प्रदेश के अमेरिका में सेट है ये, और वही अपने दोनों लौंडे, दो लौंडे कहेंगे हम तो वैनम और एडी को, क्योंकि दोनों अलग आइडेंटिटी, दोनों अलग आइडेंटिटी और दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल उसकी तरह है, अक्षय कुमार सैफ अली खान की पिक्चर नहीं आती थी, हम दोनों है अलग अलग, वही कॉपी कर दिया सच में, वही था मतलब सबके ऐसे पेयर्स बने हुए थे ना उस टाइम पे, करिश्मा गोविंदा अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ, अक्षय कुमार के अक्षय कुमार काफी प्यार बनते थे भाई लॉन्डो के साथ, लॉन्डो के साथ तो ऐसी थोड़ी, वो आज लॉन्डो के कहने पे सिगरेट छोड़ देते हैं, पता है ना कि इसने ख्याल रखा है इतने लॉन्डो का, यहाँ रिपोर्टर जो है भाई साहब कायदे से रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी बॉडी में वैनम है, जिनको नहीं पता हमने बताई दिया वैनम क्या चीज है, अब क्या हो गया एक सीरियल किलर इन्हें बुलाता है कि भाई मुझे सजा होने वाली है, आओ मेरा इंटरव्यू ले लो, मेरा जरा इंटरव्यू ले लो ताकि मेरी कुछ लीगेसी एक पीछे छूट जाए मेरी बातें, अब वो इनसे बातें ना बड़ी क्रिप्टिक और ऐसे पोएटिक तरीके से करता जो इनको ज्यादा समझ में नहीं आती, तो एडी ब्रॉक जो होते हैं वहां पर वो चल देते हैं क्या बात है, सीरियसली उनको लेते नहीं, लेकिन उनका जो वैनम है वहाँ वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उस सीरियल किलर के कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिससे वो दोषी करार हो जाता है और उसको मिल जाती है सजाए मौत, हाँ। और इसके बाद एडी ब्रॉक का करियर चमक जाता है फिर से, नौकरी पैसा ऑफर आ रहे हैं TV9 भारतवर्ष ज्वाइन करने के, अरे भाई सुदर्शन टीवी से ऑफर आ रहे हैं शाम को 6:30 का हल्ला बोला आप ही कर लो भाई, और ये बताओ कैसे UPSC जिहाद फैल रहा है और ये सब हो रहा है, एडी ब्रॉक की तरह किस्मत चमक जाती है वो, लेकिन ऐसे थोड़ी फिल्म इतनी स्मूथली खत्म हो जाए तो वो फिल्म ही क्या भाई, सुपर हीरो को पावर मिली है तो फिर कोई सुपर विलेन भी तो होगा ही, लेकिन विलन को क्या होता है, विलन को मिल जाता है एडी ब्रॉक का खून, हाँ अब वो उसका खून चक के बोलता है लहू मुँह लग गया, तो अब इनमें दोस्तों से खून लग चुका होता है और उसके बाद से फिर वही एक पूरा संघर्ष शुरू हो जाता है जिसकी ज्यादा डिटेल्स हम आपको नहीं देंगे इतना, क्योंकि फिर पता ही चल जाएगा कि संघर्ष का एंड क्या होता है और क्या होता है, अब यही है कि हीरो के पास भी अपना वैनम है और विलेन के पास भी अपना, विलेन के पास जो वैनम है वो हरामी है और हीरो के पास जो वैनम है वो अच्छा है, और इनकी दोनों की आपस में भी लड़ाई होती रहती है, हाँ ये तो मतलब एक कपल की तरह ही है एक्चुअली, हाँ, इनको वो सब सलाह भी दी जा रही है कि तुम कपल काउंसलिंग के लिए जाओ और अपना हैशटैग सोचो अगर कल को शादी करनी है साथ आना है कुछ उस तरह की चीजें हैं, ये प्लस वन वाले अब इनका जैसे मतलब वैनम के साथ उसे तो हैशटैग एंट्री वाला पंगा ही नहीं पड़ता होगा, गया है वहाँ पे सोच कैलिफोर्निया में कोई अपने वीरेंद्र भाई खड़े हैं बॉम्सर वो कह रहे हैं स्टेक एंट्री नॉट अलाउड, रुक एक सेकंड ये दो है भाई हम ओके अलाउड, तो कहानी इसके बाद वही है, विलन है हीरो है, पूरी फिल्म में वही लड़ाई चलती रहती है एक दूसरे अपने अपने वैनम है अपने अपने वैनम है अपने अपनी लड़ाइयाँ अपने अपने संघर्ष चल रहे हैं,
तो मूवी इसके बाद एंड हो जाती है, अब इससे ज्यादा बताएंगे तो फिर तुम बोल दोगे कि सब हम छोटे भाई के साथ जाना था अपने देखने, टिकट बुक कर ली थी हमने तो वो हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बताते क्या क्या चीजें हमें अच्छी लगी क्या क्या हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छे में तो देखो वही है कि मार्वल का जो एक्शन होता है, मार्वल की मूवी सही टाइम पे आई है और अब तो लाइन से आने वाली है, लाइन से आने वाली है। और अगर एक अलग से मार्वल ऑनेस्ट रिव्यूज एक हमें चैनल खोल देना चाहिए, है ना, इतनी आएंगी तो वो सही है, सही मूड के लिए परफेक्ट फिल्म है ये, बहुत अच्छी लगी, फैमिली के साथ इसे देखने जा सकते हैं। परफॉर्मेंस स्पेशली टॉम हार्डी की कोई बताने अकेले की पूरी फिल्म अकेले उस बंदे ने उठा रखी है, मतलब बहुत ही शानदार। समझ लीजिए आप पंजाब के KL राहुल, बिल्कुल यार उस तरीके का उनका हिसाब किताब है। और तीसरा जो ब्रोमेंस दिखाया गया है एडी का और वैनम का, वो मतलब वो फनी भी है, उसमें इमोशंस भी है, और खास तौर पे मतलब पहली वैनम जो थी उसके बाद ही सेकंड में एडी और वैनम की जो केमिस्ट्री निकल कर आई है वो और अच्छी हो गई, पहले से और ज्यादा ह्यूमर आ गया और आपको देखने में लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि कोई इंसान नहीं है, ऐसा लगेगा वैनम और एडी दो अलग अलग इंसान है, और जैसे हम फिल्म में देखते आए हैं दो अलग अलग कैरेक्टरों की अच्छी केमिस्ट्री वाली वो बिल्कुल देखने को मिलेगी, और बहुत ही बढ़िया कॉमेडी टाइमिंग के साथ एक नंबर। अब क्या क्या हमें नहीं पसंद है, थोड़ी सी मुझे ऐसी चीजें लगी कि यार ये तो इतना हजम नहीं हो रहा मार्वल के लेवल के हिसाब से, जैसे उस विलन का बनना। मतलब वैसे तो मार्वल में हम दिमाग अपना घर ही रख के जाते हैं दोस्तों यूजुअली, बट बावजूद इसके कुछ एकदम ही वो हो गया कि ये क्या ही है? मतलब हम बताएंगे नहीं कि विलन कैसे बना, शायद ट्रेलर में है वैसे वो, कि वो जब आप मूवी में देखेंगे तो शायद उतना हजम ना हो, हम भी नहीं कर पाए इतना तो, लेकिन ओवरऑल फिल्म के अंदर जो एक्शन और वो पूरी कहानी है, मतलब ओनली थिंग वी डिसलाइक कि हां कहीं कहीं पे थोड़ी अनबिलीवेबल हो जाती है फ्रॉम सुपर हीरो स्टैंडर्ड्स आल्सो। और दूसरी बस एक और चीज की स्टोरी लाइन बहुत सिंपल लगी, कि एक टसल है बस, वो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट और एक टसल है, हाँ मतलब, और विलन भी विलन क्यों है उसका रीजन आपको जब आप सुनोगे तो लगेगा कि अरे बहुत हल्का है, और एक ऐसा हम लोग देखते रहते हैं। और एक बोनस अच्छी चीज बता देते हैं आपको, बिकॉज वी डोंट हैव थर्ड थिंग वी डिसलाइक, तो वी हैव फोर्थ थिंग वी लाइक, कि जो फिल्म के खत्म होते होते कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, जो मार्वल्स का एक ट्रेडमार्क है, जो उनके पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं, मतलब वो तो आपको वापस से अपनी एज ऑफ द सीट ले आएंगे। और जो सब जानना चाहते हैं कि क्या वैनम स्पाइडरमैन मूवी में आएगा या नहीं आएगा, जवाब मिला है, जवाब वहाँ आपको मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तो हम कमेंट ऑफ द वीक पे भी चर्चा करेंगे, और जाते जाते आप सभी को जय करके जाते।